हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेरे नीस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे के बारे में जो कि काफी शॉकिंग वाला रहा। आप सभी जानते होंगे कि स्टैनली का देहांत हो चुका है 95 की एज पर, और ये न्यूज मेरे लिए काफी शॉकिंग रही, इसलिए मैंने उस दिन कोई वीडियो भी नहीं डाला था। आज का न्यूज काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट होने वाला है मार्वल फैंस के लिए, जो कि स्टैनली के बहुत बड़े फैंस हैं। आप सबको जान के एक खुशी होने वाली है और थोड़ा दुख भी होने वाला है। अभी हाल ही में रिसेंट केविन फाइगी ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कि केविन फाइगी ने स्टैनली को रिकॉल करा, यानी कि उनको बुलाया गया और उनसे बात करी गई अपकमिंग मूवीज के लिए। यानी कि उन्होंने मार्वल फेज में कुछ मूवियां पहले से डिसाइड कर ली थी केविन फाइगी के लिए कि उन्हें किस किस मूवी में कैमियो देना है। आप सभी जानते हो कि केविन फाइगी और स्टैनली पहले से ही रीशूट कर लेते हैं इनका, यानी कि स्क्रिप्ट में से इनका सीन निकाल कर पहले से रीशूट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 24 घंटे सेट पर रहें और तब उनका टर्न आए और तब वो शूट करें। फिर उसके बाद जैसे केविन फाइगी ने स्टैनली से पूरी कंप्लीट बात कर ली मूवीज की कि कौन कौन सी मूवी उन्हें रीशूट करना है और देन क्या करना है इन फ्यूचर मार्वल फेज 4 में, उसके बाद ही 4 दिन बाद स्टैनली का देहांत हो गया। तो केविन फाइगी ने ये इंटरव्यू दिया एंटरटेनमेंट वीकली से, जो कि काफी बड़ी मैगजीन है। आप सब जानते हो इस मैगजीन में हमें फर्स्ट लुक दिखाए जाते हैं। कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।